हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो गाइज़, ये वीडियो है बैरिस्टर बाबू के फैंस के लिए, जो भी शो के फैंस थे उनके लिए ये वीडियो है। तो बैरिस्टर बाबू का कुछ दिन पहले एक प्रोमो रिलीज़ हुआ था जो कि कलर्स रिश्ते पर आया था, और जिसमें वो सीज़न 2 ओपनली टीज़ कर रहे थे। लेकिन हम श्योर नहीं थे कि ये सीज़न 2 ही होने वाला है या फिर इसके पुराने एपिसोड्स को रीटेलीकास्ट किया जाएगा, उसका स्पेशली अलग से प्रोमो बनाया है वगैरह वगैरह। तो गाइज़, अब मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा चांस ये है कि ये इसका सीज़न 2 हो, सीज़न 2 कह सकते हैं या फिर रीबूट, वो अभी के लिए नोन नहीं है। लेकिन ज़्यादा चांस यही लग रहा है कि बैरिस्टर बाबू का नया सीज़न आपको कलर्स रिश्ते पर देखने को मिलेगा, यानी कि पुराने एपिसोड्स के टेलीकास्ट नहीं, एक नया सीज़न आपको कलर्स रिश्ते पर देखने को मिल सकता है, जिसमें औरा भटनागर रिटर्न करेंगी वही अपना पुराने वाला बोंदिता करेक्टर प्ले करने के लिए। लेकिन थिंग्स कैसे वर्कआउट करेंगी वो अभी के लिए नोन नहीं है। क्या ये रीबूट होगा या फिर वही वाले की कंटिन्यूएशन तो हो नहीं सकती, बिकॉज उनको बड़ा कर दिया गया था, लीप ले लिया गया था शो में, और वैसे भी प्रविष्ट मिश्रा इस शो में आपको देखने को नहीं मिलेंगे अगर इसका सीज़न 2 आता है, बिकॉज प्रविष्ट मिश्रा ऑलरेडी अपने नए प्रोजेक्ट्स के साथ बिजी हैं, नए शोज़ के साथ बिजी हैं। तो वो बैरिस्टर बाबू के कलर्स रिश्ते वाले वर्जन में डेफिनेटली आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और जो बाकी की कास्ट भी होगी, आपको काफ़ी चेंज्ड कास्ट और नई कास्ट देखने को मिलेगी अगर ये इंडीड सीज़न 2 ही होता है। बाकी गाइस, बैरिस्टर बाबू का सीज़न 2 कलर रिश्ते पर अगर आता है, इस पे जो भी अपकमिंग अपडेट्स वगैरह होंगे वो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। जो भी इस पर अगर कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिलती है आप तक जरूर पहुंचाता रहूंगा। फिलहाल के लिए जो कुछ अपडेट्स थे मैंने आपको दे दिए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बैरिस्टर बाबू के फैंस के साथ। कमेंट्स में बताइए आप चाहते हैं या फिर नहीं, और आपको क्या लगता है इसका सीज़न 2 ही आएगा या फिर रीटेलीकास्ट पुराने एपिसोड्स के। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस पर और अपकमिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसको दबा लीजिए ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।